नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कंपनी का सूट पहनते हैं और घड़ी कौन सा पहनते हैं, और यहाँ तक कि वो कौन सा कलम का यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसकी कीमतों को भी बताएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई उनके पूरे जीवन के वृत्तांत की कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों को, तो चलिए जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में जानने वाले हैं। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वाडनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था नरेंद्र मोदी। यहीं आगे चलकर गुजरात का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बना। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नरेंद्र मोदी की कुंडली काफ़ी हद तक बाल गंगाधर तिलक से मिलती है। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना कर ली थी, उनमें ये एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। मोदी बचपन में एक्टिंग और नाटकों में भाग लेते थे। मोदी एनसीसी में भी शामिल हो चुके थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम भी किया था। बचपन में मोदी पास के तालाब से मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे। बाद में मां के कहने पर वे उसे वापस उसी तालाब में छोड़ने गए थे। नरेंद्र मोदी की शादी 18 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया था। पीएम मोदी की पत्नी का नाम जसोदा बेन मोदी है, जो अभी वर्तमान में किराने की दुकान चलाती हैं। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी कर रखा है। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते। मोदी शाकाहारी हैं और सिगरेट शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने कहा था कि बेटा कभी रिश्वत मत लेना। गुजरात के 13 साल के शासन में मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहां सारे छोटे काम जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना आदि सारा काम करते थे। RSS के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी भी रखते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान RSS जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लग गया था, उस समय मोदी सरकार का भेष बदल कर रहते थे। नरेंद्र मोदी की शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक की है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA कर रखा है। नरेंद्र मोदी की जाति मोध घांची है। नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा तक नहीं दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका का खुद बुलावा आया था। नरेंद्र मोदी को नई तकनीकों का इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले मोदी ने ही 3D तकनीक का प्रयोग कर भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि वह सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 39,000 रुपये से लेकर 1,90,000 रुपये तक की है। एक बात ये भी है कि PM उल्टी घड़ी पहनते हैं क्योंकि वो इसे लकी मानते हैं। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोब्लां के पेन का इस्तेमाल करते हैं। मोब्लां यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वारेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। PM मोदी जो पेन का यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपये तक की है। नरेंद्र मोदी जो चश्मा लगाते हैं वो वुलगरी ब्रांड के हैं, और वुलगरी इटली का ब्रांड। वुलगरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी कूद चुकी है। इन चश्मों की कीमत 30,000 से लेकर 40,000 रुपये होती है। नरेंद्र मोदी के कपड़े
विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं। और आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में जेड ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से नरेंद्र मोदी के कपड़े यहीं सिलते आ रहे हैं। मोदी अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन खुद ही सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जियो भी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं तो हमें इससे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।